अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक मरतबा फिर हम आपको हमारे चैनल लाल मुस्तफ़ा भुगियो की तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद है सिंध के एक गांव में, जहाँ एक दरगाह वाक़ जो सिंधु दरिया के बीचों बीच है, वहाँ पे जो है हर साल इस्लामिक कैलेंडर की जमादिलसानी के मंथ में यहाँ पे मेला लगता है, राग विराग की महफिल होती है। और जब भी यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे जब सैलाब आता है, ये जो दरगाह बीचों बीच है सिंधु दरिया के, आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि उनका ये मानना है कि जब भी यहाँ पे सैलाब आता है, जितना भी अगर हम 2010 की जो फ्लड आई थी सिंध में, तो लोगों का ये कहना था कि इस दरगाह की मोबनशाह की ये करामत है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है दरगाह अद खुद जो है ऊपर होती जाती है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये करामत। तो दोस्तों आइए, यहाँ के जो साईं के दरगाह के जो मलंग है, फ़कीर हैं, मैं उनसे भी बात करवाता हूँ। और जहाँ पे जो मंजर कशी हुई है नेचर की, सिंधु दरिया, ट्रीज़ और जो नेचर है उसको भी मैं दिखाता हूँ। जो लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे होटल है, यहाँ पे कैबिन्स हैं छोटी छोटी, और जो सारा कुछ यहाँ पे सिनारियो है मैं उससे आपको दिखाता हूँ कि कैसे यो यहाँ पे सिस्टम हो रहा होता है। ये जो दरगाह है साईं मोहब फ़कीर मोहबन साहब मोहबन शाह, ये दरिया के बीच में है। ये पीर इधर मेला भी लगता है, बाजार लगती है, दरिया के बीच में है। और इधर के जो है देहात वाले भी आते हैं, बहुत रौनक होती है, सिंध से आते हैं। बहुत कदीमी मेला लगता है, कदीमी दरगाह है ये साईं मोहबन शाह। जब भी सैलाब आता है तो इधर पानी नहीं आता है। ये दरगाह बहुत कदीमी पुरानी है, बहुत ज़ायरीन भी आते हैं इधर, तो अकीदत मानते आते हैं, मेला लगता है। हम आपको सिंधु दरिया की सैर भी कराएंगे, लेकिन सैर कराने से पहले हम हमारे जो भाई हैं जनाब मकबूल अहमद कांदड़ो, उनसे पूछेंगे कि ये जो सिंधु दरिया है वो कितना कदीम है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वाक़ दरगाह है मोहबन शाह की, उसके बारे में भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मकबूल भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो यहाँ पे सिंधु दरिया है और ये जो दरगाह यहाँ पे वाक़ है, इसके बाबत क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सिंधु दरिया के बारे में मैं इतना कहूँगा कि सिंधु दरिया इतना कदीम है जितना हमारा मोहनजोदड़ो की तहजीब जो है 5000 साल पुरानी है, कदीम है। सिंधु दरिया भी उतना कदीम है। हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं इस साहिली पर सिंधु दरिया के किनारे में लग रहे हैं, उनका जो कारोबार भी जो है वो इसी सिंधु दरिया पे चलता है। माइगिरी हो या ज़रात हो, काश्त हो, सब इसी सिंधु दरिया पे होती है। सिंध हमारी जो समझो पलती बढ़ती है वो इसी सिंधु दरिया के हिसाब से पलती है। हाँ, बाकी मैं बताता चलूँ कि जो ये दरगाह है, ये दरगाह इतनी ये भी कदीम दरगाह है। तो यहाँ के लोग जो बताते हैं कि ये 200-300 साल पुरानी दरगाह है, यहाँ काफ़ी ज़ायरीन आते हैं। दरिया के उस साइड जो है नौशहरो फिरोज डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ जो हम खड़े हैं ये हम लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं। और मैं बताता चलूँ कि ये कदीम दरगाह है, यहाँ रबी सानी में साईं मोहबन शाह का मेला लगता है, जहाँ पे रात के वक्त महफिल समा होती है, जहाँ सूफियाना कलाम होता है, वो बाजार से छिपक जाती हैं। और जो यहाँ पे हट बने हुए हैं वहाँ ज़ायरीन रहते हैं, और हुसन वो अपनी दिली मुरादें लेके आते हैं, उनकी दिली मुरादें जो पूरी होती हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये सिंध भर के लोग आते हैं। ये जगह वाकई इसको कच्चे का इलाका कहते हैं, हम कच्चा उसको कहते हैं, जो आबादी दरिया के करीब जो मकी होती है उसको हम कच्चे की इलाके कहते हैं, कच्चे का इलाका कहते हैं। और कच्चे के इलाके लोग जो है ना वो ज़्यादातर जो ज़रात या खास करते हैं, यहाँ कपास होती है, गंदम होती है, चावल की खास होती है, और तिल होते हैं, और यहाँ के लोग बड़े मेहमान होते हैं। मैं ये भी बता सकता हूँ आपको, ये पता चलो कि यहाँ के लोग हैं उनका जो जरिया माँ जो है ना, ये दरिया पे भी है, यहाँ वो मछली पकड़ कर अपना पेट भर करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ मेरा जो भाइयों जैसा दोस्त है इसरार नारी, खुद जो है मीडिया का स्टूडेंट भी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी रहा है, काम भी करता है मीडिया से रिलेटेड। सो इसरार भी हमारे साथ यहाँ पे सिंधु दरिया के करीब, हम किनारे सिंधु दरिया के किनारे पे जहाँ पे मौजूद है, इसरार भी हमारे साथ मौजूद है। हम इसरार से भी जानेंगे कि इसरार बीइंग स्टूडेंट ऑफ मीडिया, ये जो सिंध कदीम है और ये जो सिंधु दरिया बहुत कदीम है, और सिंधु दरिया में जो भी दरगाह है सिंध में, उसके रिलेटेड इसरार का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम इसरार। वालेकुम सलाम बिलावल जी। बिलावल,
जैसा कि अमूमन तौर पर ये देखा गया है कि जो हमारी सिंध धरती है सूफियों और औलियाओं की धरती रही है। जो सेवन कलंदर लाल शाहबाज की दरगाह है वो भी दरिया के नज़दीक ही वाक़ है। ऐसी बहुत सारी दरगाह हैं सिंध में जो दरिया के नज़दीक हैं या दरिया में अंदर हैं। इसी वजह से ये कह सकते हैं कि सिंधु दरिया और जो हमारे औलिया हैं उनका आपस में गहरा रिश्ता है। अब हमारा जो ये सिंधु दरिया आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारा सिंधु दरिया जब तक हमारी जो तहजीब है मोहनजोदड़ो 5000 साल कदीमी बताई जाती है, ये सिंधु दरिया संगे कबाब चीन से शुरू होती है और यहाँ से होकर हमारे डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से और पूरे पाकिस्तान से होकर ये जाके हट्टा के करीब समुंदर में वहाँ पर ये सिंधु दरिया समुंदर में वहाँ पर जाता है और ये हमारे दरिया के बिल्कुल अंदर ही ये वाक़ है। हमारा पीर है जो इसको कहते हैं मोबन फ़कीर कहते हैं और ये भी एक कदीमी पीर बताया जाता है। यहाँ जैसा कि हमारे पहले एक दोस्त ने बताया कि यहाँ हर साल मेला लगता है और मैं आपको एक बात बिलावल बताऊँ कि यहाँ पर एक काफ़ी बनी हुई है जहाँ पर नंगर पकता है और नंगर जब पक जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है इसको क्यों दे, बस पकता है जो भी लोग जहाँ से भी आते हैं उनको दिया जाता है बगैर ये पूछे कि आप कौन हो, आपका मजहब क्या है, आपका कहाँ से आए, आप क्यों मांग रहे हैं। भले वो जो है किसी भी रंग नस्ल मजहब के लोग हों यहाँ पर आते हैं उनको एक नज़र से देखा जाता है। यहाँ पर लंगर जब भी होता है वो जो भी जहाँ से भी आते हैं ज़ायरीन उनको फ्री में वो सर्व किया जाता है। और मेरे आप देखते हैं ये एक कश्ती है यहाँ पर, ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो उस तरफ से इधर आते हैं और जो इधर से उस तरफ जाते हैं यहाँ पर ये उनको लाती भी है वहाँ से और यहाँ से उनको वहाँ पर लेकर भी जाती है। सो ये कदीमी पीर है। अगर जो दोस्त और जो ये चैनल देखने वाले टूरिज्म में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ पर उनको आना चाहिए।